हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टडी ऑन द चैनल। तो मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए एक और नया एडजस्टमेंट लेके आ चुका हूँ। पहले मैंने क्लोजिंग स्टॉक का सिखाया एडजस्टमेंट, फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का सिखाया, और आज हम लोग नया एक और एडजस्टमेंट ट्राई करेंगे, जो एडजस्टमेंट वो भी 90% जो है हमेशा एग्जाम में रहता है। ये तीन एडजस्टमेंट आपने अगर कर लिए तो मोस्टली आपकी जो है, आप एग्जाम में जाते हो 5-6 एडजस्टमेंट आते, 3 तो आपके यहीं कवर हो जाते, तो फिर आपके मार्क्स तो सिक्योर हो गए। तो आई होप आप सभी को जो मैं एग्जाम बता रहा हूँ वो सिंपल में बता रहा हूँ और आप सभी को समझ रहे होंगे। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं आज के टॉपिक की। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में। अब समझते कि प्रीपेड एक्सपेंस क्या हो जाता है। तो प्रीपेड नाम में देखो, प्रीपेड मतलब कि पहले से ही पे किया हुआ एक्सपेंस, एडवांस में पे किया हुआ एक्सपेंस, मतलब ऐसा खर्चा जो फ्यूचर में होने वाला है बट हम लोग ने उसको एडवांस में ही पे कर लिया है। समझिए आपने एक बाजार गए, आप ठीक बाजार जाना था, बाजार से आपने टीवी लाया बट वो टीवी का पेमेंट आपने एक महीने पहले ही कर दिया है, ठीक है, तो वो क्या हुआ, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ऑफिस का बिल आया, ऑफिस का बिल आने से पहले ही आपने बिल पे कर दिया, लाइट बिल पे कर दिया, तो वो क्या होगा आपका प्रीपेड एक्सपेंस। तो ऐसा एक्सपेंस क्या होता है, हमारे लिए एसेट्स होता है, हम लोग उसको एसेट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए अब सीखते हैं कि इसको कैसे पोस्टिंग करते हैं, बुकिंग वैसे हम लोग सीखते हैं इसको। तो मैंने बताया इट्स अ एडवांस एक्सपेंस। तो कभी कभार क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंस को जो है ये लोग दूसरा नाम भी देते हैं, एडवांस एक्सपेंस। तो डरना नहीं है, प्रीपेड एक्सपेंस का दूसरा नाम है एडवांस एक्सपेंस, ओके। तो अब इसके एडजस्टमेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो इसके इफेक्ट जो है दो जगह जाते हैं, एक तो एक्सपेंस जो होता है वहां से लेस होता है, जैसे लिखा है मैंने एक्सपेंस में से लेस होता है, और एक एसेट साइज में इफेक्ट देते हैं। अभी समझते हैं एग्जांपल के रूप में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेंट दिया हुआ है, प्रीपेड रेंट दिया हुआ है 5,000, ठीक है, प्रीपेड रेंट, और आपका अपना ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है अमाउंट 10,000, ठीक है, 10,000 दिया हुआ है प्रीपेड रेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, ये प्रीपेड रेंट, जो प्रीपेड रेंट का 5,000 अमाउंट है वो ये रेंट पहले पीएनएल में देखेंगे, रेंट लिखेंगे, यहाँ पे 10,000 जो लिखा हुआ है वो लिखेंगे एज इट इज, और 5,000 उसमें से डिडक्ट कर देंगे और 5,000 बाहर आ जाएगा। सिंपल, मतलब कि जो एक्सपेंस हो रहा है प्रीपेड ऑलरेडी हमें लेस करना है और वहां पे दूसरी जगह उसका एडजस्टमेंट आ जाएगा 5,000, ठीक है। सेम फैक्ट हमें एसेट साइड में देना है, एसेट्स में जो है यहाँ पे लाइबिलिटी एसेट्स, ये बैलेंस शीट है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है लिखना है प्रीपेड रेंट कितना 5,000। सिंपल सिंपल, कुछ करना ही नहीं ज्यादा, एडलेस बस हो गया। तो ऐसे ही आपको जो है प्रीपेड का जो है प्रीपेड एक्सपेंस जो होती है उसका एडजस्टमेंट करना है। आई होप आप सभी को जो है वीडियो समझा होगा, वीडियो बहुत सिंपल था और बहुत सिंपल है मैंने समझाया, फिर भी कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं जो है बहुत जल्दी उसके ऊपर और वीडियो बनाऊंगा डिटेल में और आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू सो मच, आप सभी ने वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।